सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बरेली मंडला आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण, कहा कि पत्रावलियों को सूचीबद्ध कर संरक्षित किया जाए। 10 फरवरी मंडला आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद ने कहा कि भूमि के मामलों के संबंधित पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल तथा मैनुअल तरीके से संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नजल की भूमि से जुड़े विवादित मामलों के लिए नगर निगम तथा जिला प्रशासन की एक संयुक्त समिति परीक्षण करेगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मंडला आयुक्त आज बरेली कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने रिकॉर्ड रूम के निरीक्षण के दौरान कहा कि पत्रावलियां सूचीबद्ध करने के उपरांत और अधिक व्यवस्थित ढंग से रखी जाएं। उन्होंने कहा कि पटल पर पत्रावलियों के निष्पादन के कार्य तुरंत गति से होने चाहिए। उन्होंने संयुक्त कार्यालय में कई कर्मचारियों से उनकी पत्रावलियों को लेकर देखा और कुछ में विलंब का कारण भी पूछा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पत्रावलियों के निस्तारण में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी पटल हैं उन पर लंबित प्रकरणों की समरी जिलाधिकारी को नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके बाद मंडला आयुक्त रिकॉर्ड रूम में गए और वहां की व्यवस्था को देखा। उन्होंने रिकॉर्ड रूम के पुराने दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर उन्हें डिजिटलकृत करने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ ही कहा कि पुराने नक्शों को भी डिजिटली संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। उनके अनुसार ये कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत इन दस्तावेजों को प्राप्त करने अथवा अवशोकन करने की आसानी हो जाएगी, ऑनलाइन भी इन्हें प्राप्त करने की सुविधा हो जाएगी। श्री रणवीर प्रसाद ने कहा कि बरेली की एक तहसील में लैंड यूज को परिवर्तित करने के मामले में सत्यापन करने के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही उसका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरेली जनपद में जहां भी इस प्रकार का कोई मामला है उसके सत्यापन का कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा। सरकारी मंडलायुक्त ने निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर की व्यवस्था को पूर्व की अपेक्षा से बेहतर बताया है और कहा है कि जो कार्य परिसर में चल रहे हैं उसे जल्दी ही ये परिसर और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री नीतीश कुमार ने मंडलायुक्त को बताया कि कलेक्ट्रेट के अधिकांश कार्यालयों को आधुनिक साधनों से लैस किया जा रहा है और स्वच्छता आदि के संबंध में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।